और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई है एफआईआर। एसटीएससी थाने में यह एफआईआर दर्ज, जिसमें ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर की बात सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए, छापेमारी करने के मकसद से पहुंची थी उनके दिल्ली स्थित आवास पर आंति निकेतन में, उसे लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, और इसी पर नाराजगी भी जाहिर की जा रही थी लगातार। अब ये बड़ी खबर सामने आती हुई, एक तरफ झारखंड में इस वक्त ईडी की टीम जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ कर रही है, उनके आवास पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटीएससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके पीछे की वजह बताते चले, दिल्ली में छापेमारी को लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, यानी कि सीधे तौर पर उस कार्रवाई का विरोध जाहिर किया गया है कि आखिर अनुपस्थिति में संभवतः हो सकता है कि ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे, और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए शायद अब ये एससीएसटी थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखना होगा कि अब इसे लेकर के ईडी के अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी जानकारी है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ, जो कि ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है।